हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट रोड से शंकरपल्ली रोड को जो कनेक्ट करता है, तो ये नया रोड है, अभी बन रहा है, बट पब्लिक के लिए ओपन है। तो ये कोकापेट सीजी का मेन रोड है, यहाँ पे राइट लेंगे तो मूवी टावर्स का रोड आएगा। तो ये मूवी टावर्स का रोड है, इसमें थोड़ी देर चलने के बाद आपको राइट आएगा, यहाँ से मूवी टावर्स का रोड है। अभी हम लेफ्ट ले रहे हैं, तो ये हमको गंडीपेट और शंकरपल्ली रोड का कनेक्ट करेगा ये रोड। ठीक है, चलिए। ये अभी रोड ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ, बट पब्लिक यूज कर रहे हैं अभी, इसीलिए ऐसा है, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। तो अभी शंकरपल्ली रोड पे आ गए, तो ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं गंडीपेट लेक, अभी थोड़ा मिस्ट है तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। तो चले देखेंगे अभी शंकरपल्ली का रोड कैसा है। अभी ये रोड अच्छा बन गया है, रोड तो मस्त है शंकरपल्ली तक। अगर आप चिलकूर जा रहे हैं या विकाराबाद जा रहे हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट या हाईटेक सिटी से, तो ये रोड ले सकते हैं, ऑलमोस्ट खाली रहेगा आपको। आपको प्रगति रिजॉर्ट्स और बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं मोइनाबाद विकाराबाद में, तो वो जाने के लिए ये रूट ही अच्छा है, क्योंकि जो मेन रूट है जो चिलकूर जाने वाला है, विकाराबाद चिलकूर रोड, वो रोड तो फुल ट्रैफिक रहेगा, फुल ट्रैफिक मिलेगा और रोड भी ठीक से नहीं है। बट ये रोड जो रिसेंटली बना है एक दो साल पहले, तो ये अच्छा है रोड। पे केफ कॉफी डे भी है, और ये स्टेज पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केफ कॉफी डे मिलेगा। अच्छा, थैंक यू नर्सिंग म्युनिसिपैलिटी। अच्छा, अभी हमारा नया ब्रेजा का माइलेज है 16.0, ये सिटी का माइलेज है। रोड तो मस्त है, इजीली 80 में चला सकते हैं गाड़ी। तो अभी भी 8 किलोमीटर है शंकरपल्ली यहाँ से। रोड तो स्ट्रेट रोड है, कुछ भी टर्निंग कुछ भी नहीं, आराम से 70-80 पे भगा के आ सकते हैं। फाइनली शंकरपल्ली पहुंच गए हैं, तो यही है शंकरपल्ली का विलेज। मोस्ट एक 40 किलोमीटर्स का ड्राइव कर चुके हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से। ये फ्लाईओवर जो है मूसी नदी के ऊपर से जाता है। श्री आंजनेय स्वामी देवस्थानम रामंतपुर शंकरपल्ली के अंदर ही आता है। तो अभी हम यहाँ पर है, शंकरपल्ली होने के बाद लेफ्ट लिया, तो ये रोड हमको चेवल्ला कनेक्ट करेगा। पूरा रोज प्लांटेशन है, मस्त है, दूर दूर तक पूरा रोज ही है। एकड़ दाकुंदी मीदी ఎప్పుడు వస్తాయా పువ్వులు? మంచి స్మెల్ వస్తుంది బయట, అక్కడదాకా వస్తుంది. రోజు దింపుతారా? మార్కెట్ ఎక్కడ మరి మీకు పోయేది? గుడిమల్కాపూర్. సరే, ఎంత అమ్ముతారు? అంటే సంచి లెక్క ఉంటుందా, ఎట్లుంటుంది? కేజీ లెక్క, కిలో లెక్క? ఎంత కిలో? అంతేనా?
మాకు సిటీలో చెడాకుల్లే కమ్ముతారు. అదే ఎంత దళారులు ఉంటారు అంత మధ్యలో. మూడుకు వస్తారు పొద్దున్న బా ఆరు దాకా ఈయనే ఉంటారు. ఆరు గంటలకు సాయంత్రం వస్తారు. అటు నుంచే వస్తున్నా నేను శంకర్పల్లి నుంచి. శంకర్పల్లి నుంచి వస్తున్నాను. 41 కిలోమీటర్ అయితే సిటీ. అవును 43 ఉంది శంకర్పల్లి. మధ్యలో రోడ్ బాగాలే కానీ అంత రోడ్ మంచిగా చేసారు. ఇంకా తెంపిగా ఉంది, తెంపకపోతే ఇంకా ఎక్కువ కాలేదు. స్మెల్ మాత్రం మస్తు వస్తుంది. మరి నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? నీళ్ళు బోరా? ఇది అదేనా బోరా? అక్కడ ఉందా నీళ్ళు వస్తాయా? మంచిగా పూరా దూర దూర తక్ రోజ్ ప్లాంటేషన్స్. हम अभी है चेवल्ला रोड पे है, शंकरपल्ली टू चेवल्ला रोड. तो ये फार्मर तो बोल रहा है कि वो 100 और 200 kg में बेचते हैं मार्केट को, मार्केट ले जाने वालों को. तो वो लोग हम सिटी में तो पास ही है हमको. यहाँ पे फार्मर से 200 kg में लेते हैं मार्केट में, इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा के बेचते हैं. अच्छा लग रहा है, बहुत दिन हुआ ऐसे फार्म्स में घूम के. इधर भी पूरा रोज ही है, एरिया पूरा रोज फार्मिंग के लिए फेमस है शायद. ये कौन सा है? ये चामंती बोलते हैं इसको, रेड चामंती तेलुगु में. हमारा ब्रेजा उधर खड़ा है मेन रोड पे. इधर बहुत सारे फ्लावर्स. वक्त बिताने के लिए ऐसे फार्म्स में. रोजेस का बड्स है उधर, पूरा खिल गया है फ्लावर. यहाँ पे बड्स जैसा दिख रहा है. चलो यही मिलता है हमको मार्केट में. अच्छा लग रहा है ना फार्म्स में घूमने के लिए. बहुत और एक वंडरफुल प्लांटेशन दिखाता हूँ. इसको चामंती बोलते हैं इसको तेलुगु में. ये देखो वंडरफुल प्लांटेशन है, पूरा चामंती है. पूरा सन उधर है ना, सन है सन. तो पूरा सन को देख रहे हैं फ्लावर पूरा. ये एंगल से दिखाता हूँ. तो अभी भी NH 163 हमको 4 किलोमीटर दिखा रहा है.
तो ये जो रोड है चेवेला से हैदराबाद जो कनेक्ट कर रहा है, आई मीन हैदराबाद टू विकाराबाद, ये सिंगल लेन रोड है। यहाँ तक मोइनाबाद तक तो सिंगल रोड ही है, मोइनाबाद से शायद विकाराबाद डबल बना है। मोइनाबाद पहुंच गए, लेंगे तो चिलकूर बालाजी रोड आएगा। ये अवतार का टावर्स है, माय होम अवतार लैंसम इटानिया, ये भी एक कम्युनिटी है। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एक थोड़े टाइम रोज गार्डन में बिताना, उनसे बातें करना फार्मर से, तो कैसा लगा आपको कमेंट्स में डालना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।